नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्यास की पड़ताल। दरअसल बढ़ती गर्मी के बीच पानी में ही जिंदगानी नजर आती है और इसके लिए सरकार लगातार नलकूपों से लेकर हैंडपंप की व्यवस्था करती आई है, लेकिन जो पैसा लखनऊ से जारी होता है उसका सही इस्तेमाल धरातल पर नजर नहीं आता। क्या हैंडपंपों से पानी निकल रहा है, किस हालात में है शहर और गाँव के हैंडपंप, इसको लेकर के इंडिया न्यूज ने पड़ताल की है। तो आइए शुरू करते हैं प्यास की पड़ताल। तो इंडिया न्यूज ने प्यास की पड़ताल की शुरुआत ग्रेटर नोएडा और गाजीपुर से की है। वहां के हालात क्या हैं? क्या लोगों तक पानी पहुंच रहा है? क्या लोगों की प्यास बुझ रही है? क्या हैंडपंप पानी दे रहे हैं? और जल निगम इंडिया न्यूज के इस पड़ताल में क्या पास हुआ है, ये जानने के लिए देखें हमारी ये खास पड़ताल, प्यास की पड़ताल। इस हैंडपंप को देख रहे हैं आप, इस हैंडपंप को अजूबा कहिए, क्योंकि अभी तक हैंडपंप को चलाने पर पानी की धार निकलती थी, लेकिन अब हवा की बौछार होती है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकारी दस्तावेजों में अधिकारियों का जीतोड़ काम तो दिखता है लेकिन धरातल से गायब रहता है। दरअसल बढ़ती गर्मी के बीच इंडिया न्यूज ने एक पड़ताल शुरू की। पड़ताल इस बात को लेकर कि गांव-गांव पानी पहुंचाने का दावा करने वाले अधिकारी कितने कर्मठ और जुझारू हैं। इंडिया न्यूज की टीम ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे गई, जहां नाके चौक चौराहे पर लगे हैंडपंप को ढूंढा गया। ढूंढना इसलिए पड़ा क्योंकि हैंडपंप जमीन में समा चुके हैं, उसी हैंडपंप को विकास वाली सड़क ने दबा दिया है। अगर गलती से पुरातत्व विभाग वालों ने देख लिया होता तो शोध का विषय बन जाता कि आखिर कौन से युग का हैंडपंप ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में निकला। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये हैंडपंप चलेगा, कैसे निकलेगा पानी, कैसे बुझेगी लोगों की प्यास। जल निगम की मेहरबानी से हैंडपंप अबूझ पहेली बन चुका है। बगदम गौतम बुद्ध नगर, जो कि यूपी का सो विंडो जिला कहा जाता है, शहर में मौजूद उस एक गांव है सूरजपुर, वहाँ मौजूद है। यहाँ के जो हालात हैं, जो कि यहाँ पे हैंडपंप है उनके हम आपको हालात दिखाएंगे। ये जो हैंडपंप है काफी दिनों से लगा है, अगर हम इसको चलाएंगे तो आप देखोगे यहाँ का जो ये नाली में दब चुका हैडपंप, पानी की तो बात ही नहीं, पानी कहाँ आएगा जब नाली में ही दबा हुआ है। हैंडपंप लगे हुए सरकार ने तमाम तरह हैंडपंप लगाए, लेकिन हैंडपंप की दुर्दशा है, आप इसको देखोगे तब चिंतित हो जाओगे, इनकी ना तो कोई रिपेयरिंग की गई ना तो इन्हें अभी तक ठीक किया गया। इसीलिए जो जल है, जो नली जल देता है, लोगों के लिए काफी परेशानी आई। हम कुछ यहाँ के जो मॉल जो लोग निवासी हैं उनसे बात करते हैं, आखिर उनका इस मामले पे क्या कहना। क्या नाम भैया? राहुल कुमार जी। हैंडपंप कब से ठीक नहीं हुए? ये काफी महीने से खराब है, ज्यादा ही टाइम हो गया, ये तो 3 साल हो गए। अच्छा, ये सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, तो यहाँ पे कितने हैंडपंप लगभग लगे चुके हैं? लगभग 40 होंगे। अच्छा, आप बताना चाहोगे कुछ जी? आप? हाँ जी, बोलिए। तो हैंडपंप में कैसे क्या क्या समस्या आ रही है? ये तो 3 साल कम से कम, इसको 3 साल हो चुका है, 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसकी दुर्दशा है, बेकार, इसको काम में नहीं आ रहा, नाली में गड़ा हुआ है, नाली में पड़ा। दरअसल ये अकेला हैंडपंप नहीं है जो अपनी दुर्गति पर बत्था पीट रहा है, बल्कि ऐसे 30 से ज्यादा हैंडपंप है जो सरकारी दस्तावेजों में तो अधिकारियों के काम की शोभा बढ़ाते हैं लेकिन धरातल पर अपनी बदहाली पर रोते हैं, और सिर्फ 3 हैंडपंप ही इलाके में काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई अधिकारी बदहाली की व्यथा कथा सुनने को तैयार नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस मामले पर चुप्पी साधी। कोई भी प्रशासन को हमने कई बार बताया है पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी तक कितने मौजूदा हैंडपंप ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं सही? सही कम से कम 3-4 होंगे, बस 25-30 में 3-4 सही चल रहे होंगे। तो आपने शिकायत नहीं की ऊपर? करी, जल विभाग में शिकायत करी थी कई बार। रिपेयरिंग किया बीच में? नहीं करा, कोई सुनने को तैयार नहीं जी। बिल्कुल साफ तौर सुना है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, आखिर कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, आखिर उनको इस बारे में क्या कहना। मजा का आपका क्या नाम है? हैंडपंप लगे हुए आप पानी के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं? पूरी समस्या है, पानी दे नहीं रही है,
क्या करे, शिकार सुन नहीं रही। देखो जी ये नल कम से कम 5 साल हो गए जब से लगा है, 3 साल तो बराबर चला, उसके बाद में खराब हो गया तो हमने ब्लॉक में शिकायत करी, कई बार घूमे तब से कोई नहीं आया। अभी नीचा पड़ गया है तो नाली में दब रहा है, अब बेकार पड़ा है रास्ता का सहारा, लोग पानी वाली के लिए परेशान है। हमारी यही है कि अगर ये सही हो जाए तो हमारी समस्या हल हो जाए। जी बिल्कुल, शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी, ये नल है काफ़ी दिनों से खराब है, ये ठीक नहीं कराए गए हैं। सूरजपुर वो क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया जो कारोबार है यहीं से ही शुरू होता है गौतम बुद्ध नगर, जब इस कस्बे की ये हाल है, जो और कस्बे हैं आकर उनका हाल कैसा होगा। वही इंडिया न्यूज की टीम ने गाजीपुर जमानिया तहसील के ढुइया गाँव में भी हैंडपम्पों की पड़ताल की और जहाँ हालत ग्रेटर नोएडा से अलग देखने को नहीं मिले। इंडिया न्यूज की टीम को देखते ही लोग बाहर निकल आए, न केवल हैंडपंप बल्कि नलकूप भी ऐतिहासिक इमारतों में तब्दील हो चुके हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने जुझारू और कर्मठ हैं। एक तरह से किसान के लिए बड़ी एक समस्या है, यह आज से 20 बरस पहले ये नलकूप बना था, मात्र 1 साल ठीक ठाक चला, इसके बाद वो खराब चला। कभी स्टार्टर गड़बड़ हो जाता है तो कभी मोटर जल जाता है तो कभी कुछ न कुछ, वह आज से 15 वर्ष तक से वो ठीक से नहीं चला, किसान परेशान है। डुहिया गांव सभा में यह नलकूप गड़ा था जिसमें डुहिया और गढ़ुआ मकसूदपुर दोनों से सम्मिलित उस किसान उससे पानी लेते थे, 1 साल मात्र वो नलकूप चला, इसके बाद आज तक से वह नलकूप चला ही नहीं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जो सरकारी नलकूप है वह जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बिजली खराब है तो कहीं उनकी बोरिंग नहीं है। हमारे क्षेत्र में स्थिति इसकी बहुत ही बुरी है और लोगों ने कई बार इसकी दिया मनिहारी ब्लॉक में, लेकिन कोई उस पर काम नहीं हुआ। अधिकांश हमारे क्षेत्र में जो खेती हो रही है लोग अपने पंपिंग सेट से जो लोगों ने लगा रखा है उसके द्वारा हो रही है, और कुछ लोग जो हैं जिनके पास ये भी सुविधा नहीं उपलब्ध है वो बेचारे बस वही प्रकृति के भरोसे हैं, जब प्रकृति की बरसात होगी तो उनका धान होगा और अगर बरसात ढंग से नहीं हुई तो अधिकांश लोगों की लागत भी निकलना मुश्किल। वहीं इलाके में लगे नलकूप सुनसान पड़े मिले, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं। 836 नलकूपों में से 37 खराब है, वहीं कई नलकूपों के हालात नासाज है, लेकिन इन नलकूपों और हैंडपंपों का इलाज करने वाले अपने अपने दफ्तरों में गर्मी में एसी का आनंद ले रहे हैं। जनपद में कुल 836 नलकूप हैं, जिनमें से विद्युत एवं यांत्रिक दोष से कुल 37 नलकूप इस समय वर्तमान में खराब हैं, जिन्हें ठीक कराने की कार्रवाई नलकूप विभाग द्वारा और विद्युत विभाग द्वारा कराई जा रही है। मेरे द्वारा इसका गहन अनुश्रवण किया जा रहा है और उनको ये निर्देशित किया गया है कि इस समय जबकि विभिन्न खरीफ की फसलों के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है नलकूप कोई भी किसी भी दशा में खराब न रहे, उनको ठीक करके और किसानों के लिए उपयोगी बनाया जाए। CDO साहब के निर्देश और आदेशों का असर नलकूपों पर कितना पड़ रहा है आप तस्वीरों से पता कर सकते हैं। CDO साहब आदेश देकर निश्चिंत हैं, पंचायती राज विभाग अपने कनिष्ठों को आदेश देकर निश्चिंत है और ये सिलसिला ऊपर से शुरू होकर नीचे तक चलता है, लेकिन अफसोस वहां तक नहीं पहुंचता जिससे ये नलकूप जिंदा हो सके। इंडिया न्यूज की प्यास की पड़ताल में ग्रेटर नोएडा और गाजीपुर के जल निगम के अधिकारी फेल नजर आए। अभी इंडिया न्यूज पर प्यास की पड़ताल जारी है, यहाँ कई और जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से रजत और गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी की। तो ग्रेटर नोएडा गाजीपुर का यह हाल हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ लें कि इंडिया न्यूज ने जो पड़ताल की है उसके अंदर किस तरीके से ये जो अधिकारी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं फेल होते हुए साबित हुए हैं, क्योंकि जो पड़ताल है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। और अब इस विषय पर ही बात कर लेते हैं, हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, आप ग्राम विकास राज्य मंत्री हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद आनंद स्वरूप शुक्ला जी। देखिए इंडिया न्यूज की तरफ से हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस पूरे विषय की पड़ताल की है, क्योंकि तपती गर्मी के अंदर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, दूसरा यह है कि पीने के पानी की जो उपलब्धता है वो कितनी सुनिश्चित है।
ग्रेटर नोएडा और गाजीपुर की दो रिपोर्ट्स हम लोगों ने दिखाई हैं, जहां पर परेशान हैं लोग। कई गांव के अंदर नलकूप खराब पड़े हुए हैं, जो हैंडपंप लगे हुए हैं गांव के अंदर, वहां पर पानी नहीं निकल रहा है। अब इसको कैसे देखा जाए, इस तपती गर्मी के बीच में लोग परेशान हैं और हलकान हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका थोड़ा जवाब देते चलें। उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल और सभी खेतों को सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था कराने के लिए संकल्पित है। और आपने देखा किस प्रकार से अभी बुंदेलखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्रांतिकारी योजना का शुरुआत किया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सभी घरों तक हर घर नल योजना भी प्रदेश में प्रचलित है, संचालित है। और सरकार का ये प्रयास है कि आर्सेनिक मुक्त, आयरन मुक्त, फ्लोराइड मुक्त शुद्ध पेयजल सभी को मिले, इसके लिए पानी की टंकियां बड़े पैमाने पर बनाने का कार्य, हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का ये कार्य चल रहा है। आपके द्वारा जो भी रिपोर्ट दिखाई गई, कहीं कहीं गांवों में जो हमारे ऐसे हैंड पाइप हैं जहां का पानी दूषित हो गया है, और हर समय गर्मी के मौसम में जब जल नीचे चला जाता है तो उनका रिबोर भी कराया जाता है। हमारे जो नलकूप विभाग के लोग हैं, जो हमारे नलकूप खराब हो जाते हैं, कुछ बिजली की समस्या कहीं आती है, उनका संज्ञान लेकर के और उन्हें यथा समय ठीक करा करके किसानों के, आप देखेंगे कि कैसे कैसे पिछले 3 वर्षों में जो हमारी सिंचन क्षमता है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार बढ़ती चली गई है। जी जी, हमने लगातार, आप दुलमात्र से देखेंगे, हर वर्ष सिंचन क्षमता हमारी, सिंचित क्षेत्र हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, और पानी की टंकियों का निर्माण, शुद्ध पेयजल देने का कार्यक्रम निश्चित रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आवाज बहुत इको कर रहा है। ठीक है, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, देखिए मैं ऑडियो को भी सही करवाता हूं, क्योंकि आपने जब चर्चा की शुरुआत की उस वक्त ही आपने जिक्र किया झांसी का और सोनभद्र का और बुंदेलखंड पूरे इलाके का। एक रिपोर्ट हमारे पास है ग्राउंड जीरो की, ये रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मुझे लगता है उसके बाद ये चर्चा और अच्छे तरीके से हो सकती है। तो झांसी और सोनभद्र में जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो आप देखिए, और यहां पर देखिए इंडिया न्यूज ने जाकर प्यास की पड़ताल की है तो क्या कुछ देखने को मिला है, आपको दिखाते हैं। पानी की चाहत में देह को दुखाती मासूम की बात, बूंद बूंद पानी की राह तक। इतनी सी उम्र में हैंडपंप पर जोर आजमाइश और फिर खाली पड़े बर्तन को भरने की चाहत में इस छोटे से मासूम को बहुत बड़ा। दरअसल इंडिया न्यूज प्यास की पड़ताल कर रहा है और इंडिया न्यूज की टीम झांसी पहुंची, जो गांव के पहले ही छोर पर प्यास का संघर्ष जारी था। हैंडपंप पानी देने को तैयार नहीं था और मासूम हिम्मत हारने को तैयार। गर्मियों की शुरुआत होते ही बुंदेलखंड में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। झांसी में खास तौर पर आसपास के जो जल स्रोत हैं, गर्मी आते ही तालाब, कुएं और हैंडपंप सूखने लगते हैं और लोगों को प्यास बुझाने के लिए किलोमीटरों दूर जाकर प्यास बुझानी पड़ती थी। ऐसे में हैंडपंप एक बहुत बड़ा सहारा होता है यहाँ झांसी के लोगों के लिए, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए। लेकिन पिछले 2 सालों से झांसी में कोई भी हैंडपंप यहाँ नहीं लगाया गया है और ना ही कोई पुराना हैंडपंप है वो रिचार्ज किया गया है। दरअसल इंडिया न्यूज की टीम ने पाया कि जिंदगानी कहे जाने वाले पानी के मामले में अलग ही खेल चल रहा है, जहाँ जल निगम के कांधे पर हैंडपंप लगवाने से लेकर उसके मरम्मतीकरण का काम होता है। तो ये काम 2017 में यूपी एग्रो को दे दिया गया, जिसके बाद 1 साल तो हैंडपंप लगाने का काम किया गया, लेकिन सरकारी काम में थकावट बड़ी होती है तो यूपी एग्रो के अधिकारी और कर्मचारी थक गए और ऐसा थके कि पिछले 2 साल से कोई नया हैंडपंप नहीं लगाया गया, ना ही मरम्मतीकरण का काम किया गया, जिससे पानी बेमानी सा लगने लगा। 2017 के पहले हैंडपंप की लगाने का काम जल निगम किया करता था, लेकिन 2017 के बाद इसको यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये काम सौंपा गया है। अधिकारियों का कहना है, यूपी एग्रो के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से यहाँ हैंडपंप, नए हैंडपंप लगाने का कोई भी टारगेट विभाग को नहीं दिया गया है, जिसके चलते पूरे ज़िले में यूपी एग्रो ने एक भी हैंडपंप नहीं लगाया है, जिसके चलते तमाम जो है ग्रामीण इलाकों में हैंडपंपों की कमी और जो पुराने हैंडपंप हैं जो सूख चुके हैं
उनको भी रिचार्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते वहाँ पानी की खासतौर पर पेयजल की काफ़ी किल्लत है। और भले ही यूपी सरकार ने 2085 करोड़ की योजना जो है उसका शिलान्यास कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से हैंडपम्प ना लगने के चलते यहाँ पर हैंडपम्पों की कमी और पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है। बुंदेलखंड के झांसी के बाद इंडिया न्यूज की टीम ने सोनभद्र का जायजा लिया। यहाँ भी हालात बद से बदतर ही मिले। 637 ग्राम पंचायतों में प्यास बुझाने का साधन कम मिले, लेकिन सरकारी दस्तावेजों पर जरूर दुरुस्त दिखे, जिसमें काम लगातार जारी है, लेकिन कितना जारी है उसकी जानकारी स्थानीय निवासियों ने दी। क्रैक हो गया मेन पाइप, नंदलाल भी आए, पानी लगाए, कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि आप प्रधान से मिलिए, तो हम प्रधान से कई बार कहा, लेकिन ये पाइप निकलवाए के करे बात गायब। तो प्रधान क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मौसम या लॉकडाउन मतलब निकल जाए तब एक उपाय हो, नहीं ऐसा ही पड़ा था। तो क्या साल से पड़ा है? दो साल। वही इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने हैंडपंप की पड़ताल की। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों से बात की। मैं इसमें धुरावल के कुसहरा गांव में खड़ा हूँ। मैं बता दूँ कि ग्राम पंचायतों में जो हैंडपाइप गए थे लोगों को पानी पीने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए, आज मैं उस हैंडपाइप की रियलिटी चेक कर रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक हैंडपाइप है कुसहरा गाँव में जो काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, और ये लगभग 2 साल हो गए हैं इसको रिबोर में गए हुए। अभी तक शासन प्रशासन ने या गांव की जो सरकार है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं इसको चलाकर दिखाना चाहता हूं कि इसकी हालत क्या है। आप देखिए कि ये इसमें पानी नहीं है और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पीछे गांव वाले भी खड़े हैं। मैं गांव वाले से बात करूंगा कि गांव में हैंडपाइपों की क्या स्थिति है और क्यों अभी तक ठीक नहीं हुआ। हमारे साथ गाँव वाले हैं कि कुछ लोग वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाथ दुबे। ये हैंडपाइप कब से खराब है? ये कम से कम 2-3 साल से। तो क्यों नहीं ठीक हो पाया अभी तक? इसका रिबोर गया था, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि स्कूल में सारा पैसा जितना धन है स्कूल में खर्च हो गया, इसलिए इसका रिबोर नहीं हो पाया। मतलब जिलाधिकारी से और बड़े अधिकारियों से शिकायत की आपने? नहीं। ऐसे तमाम हैंडपाइप हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब है, पानी पीने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जहाँ सरकार एक तरफ पानी के लिए अभियान शुरू की है, सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन हालत आप देख सकते हैं कि गांव में ये है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। प्रधान भी बता रहे हैं कि पैसा नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है हैंडपाइप की। कितने हैंडपाइप हैं आपके गाँव में? 4-5। क्या इनकी क्या स्थिति है? वहीं पानी नहीं दे रहे हैं हैंडपंप। तो क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? पानी नहीं पा रहा है, बोर भी 40-50 फीट है। तो अधिकारियों से आप लोगों ने बात की ऊपर के? हाँ हाँ, बात किए थे। क्या बता रहे हैं? ग्राम प्रधान जी से सबसे पहले हम लोग ग्राम प्रधान जी से बात की है। ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे बनवाएं। पैसे की समस्या वो बताते हैं, इसके अलावा हम लोग किसी से शिकायत नहीं किया है। देखिए, गाँव वालों का जिस तरह से कहना है कि प्रधान के पास पैसा नहीं है, गाँव में पैसा नहीं है, जबकि सरकार एक तरफ पानी के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है और गांव में हकीकत यह है कि हैंडपाइप ठीक कराने के लिए गांव में पैसा नहीं है। एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए भी और गांव के प्रशासन के लिए भी, आखिर गांव वाले पानी कैसे पिएंगे? फिलहाल इन 2 जिलों में भी हालात ठीक नहीं है। कई हैंडपंप खराब है तो कई हैंडपंप अभी तक लगे नहीं। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो चलिए, इंडिया न्यूज की पड़ताल को आप लगातार देख रहे हैं और हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ला जी मौजूद हैं, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री हैं। समय न गवाते हुए फिर से इनका ही रुख कर लेते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, अब आपको आवाज मिल रही है प्रॉपर? जी आनंद स्वरूप शुक्ला जी, देखिए तमाम रिपोर्ट्स को आपने देखा और चूंकि आपने चर्चा की शुरुआत में ही बुंदेलखंड का जिक्र किया था, इसलिए वो रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने दिखा दी हैं। अब आपके सामने स्थिति है, आप ये बताएं, एक तरफ तो आप लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी है, बहुत अच्छी बात है, बुंदेलखंड वासियों को जो पीने का पानी है वो मिले, उनके घर तक मिले, लेकिन अभी जो स्थिति है, क्योंकि ये योजना तो जब फलीभूत होगी जब तक पहुंचेगी उसमें समय लगेगा, अभी लोग परेशान हैं, वहां पर जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं, अब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और क्यों ये स्थितियां हर साल यहां पर बनती हैं? मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दें।
मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से आपने यह रिपोर्ट दिखाई है झांसी की या सोनभद्र की, हैंडपाइप के बारे में जिसको रूबरू कराया जाता है ग्राम पंचायतों के माध्यम से, जहां कहें कि बात आई कि प्रधान जी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए या हैंडपाइपों को रिबोर करने के लिए पैसे कोई कमी नहीं की जाती है, लेकिन जल निगम जो एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ के जल के बारे में अध्ययन करते हैं, अगर वो जल लोगों के लिए उपयोगी नहीं है तो ऐसे हैंडपाइपों का रिबोर नहीं भी किया जाता है। दूसरी बात कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से सरकार ने जो तुलनात्मक रूप से कार्य किए हैं, बुंदेलखंड हो, सोनभद्र हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोगों को शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए उन प्रयासों के बारे में भी एक रिपोर्ट जरूर जनता के सामने आपके माध्यम से आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और आपने बिल्कुल कहा कि बुंदेलखंड एक लंबे समय से पेयजल के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय का संज्ञान लेते हुए हर घर में पेयजल हम शुद्ध रूप से पहुँचा सकें इस प्रयास को जारी किया है। जहाँ तक आपने कहा वर्तमान समय में भी सरकार के द्वारा जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं सभी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके, इसके लिए शुरुआती दो वर्षों में 17-18 में, 18-19 में बड़े पैमाने पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में 200-300 हैंडपाइप लगाने के कार्य किए गए, लेकिन इनका अनुभव ठीक नहीं आया। ये लगातार भूजल दूषित होने के कारण ये एक लगातार प्रस्ताव बनने चले गए कि जो भी नजदीक में जो नदियां हैं उनसे सरफेस वाटर स्कीम के तहत ज्यादातर जगह पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। अनेक स्थानों पर विश्व बैंक के द्वारा या जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी पानी की टंकियां दी गई, कई जगह ऐसा हुआ कि बोरिंग करने के बाद शुद्ध जल नहीं निकला, जो जल का मानक है उसके अनुसार जल नहीं मिल पा रहा है। यह एक गंभीर संकट आज है, लेकिन फिर भी सरकार का संकल्प है और आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसका भी संज्ञान लेते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल पहुंचा सकें। नहीं, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, चूंकि आपने कहा कि हम लोग को इस पर भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि कहां व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ बेहतर हो रही है उसको हम लोग बराबर दिखाते हैं, लेकिन यह भी इंगित करना हमारा काम है कि क्या परेशानी है ताकि आपसे उसका समाधान मिल जाए, और इसलिए रिपोर्ट हम आपके बीच में लेकर के आए। चूंकि आप मौजूद रहेंगे तो फिर इस समस्या का समाधान जल्दी होगा। मुझे ये बताइए कि जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने आपको दिखाई, खासतौर से जिस इलाके का हम लोग जिक्र कर रहे थे, बुंदेलखंड पर विशेष फोकस इसलिए क्योंकि वहां पर पानी की सर्वाधिक समस्या है, ये जो समस्याएं अब सामने आ रही हैं इसको त्वरित निपटारण के लिए आपके तरफ से या आपके स्तर पर क्या हो सकता है, क्योंकि गांव वाले परेशान हैं, कहीं पर 2 साल से हैंडपंप नहीं लगा है, कहीं जहां लगे हैं उससे पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी की भी समस्या सामने आई। तो अभी जो समस्याएं सामने आपके आ रही हैं जिसको हम लोगों ने भी अपने माध्यम से आप तक पहुंचाया है, इसका शंका समाधान कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट हम सभी के सामने लाई है और आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। ये जरूर इस बात का संज्ञान लिया जाएगा, जो भी हैंडपाइप जिन्हें रिबोर होना है उन्हें निश्चित रूप से एक समय की सीमा के अंदर उनको रिबोर हो जाना होता है। जहां कहीं की शिकायत आई है हम लोग जरूर उसका संज्ञान लेंगे। दूसरा, जो जल निगम का है या जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उन लोगों ने उस पर बहुत विशेष प्रयास और काम किए हैं, लेकिन रिबोर कराने के लिए निश्चित रूप से मैं संबंधित जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि तत्काल हमारे पंचायत सचिव, हमारे खंड विकास अधिकारी उन गांवों में जाकर के और उन गांवों के हैंडपाइपों को रिबोर कराएं। जी जी, अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। आनंद जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। एक तो पीने के पानी की जो समस्या है वो तो है, उसको लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं, योगी जी की तरफ से भी योजना की शुरुआत हो गई है, नल से पानी पहुँचाएंगे आप लोग। नलकूप भी बहुत जगह पर खराब दिखे हैं। एक तो किसानों को सिंचाई के लिए भी जो पानी मिलना चाहिए उसमें भी बड़ी समस्या आ रही है। ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए आप लोग के स्तर पर क्या किया जा रहा है और क्या आप लोग इसको लेकर के और ये नई योजनाएँ बना रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी बताएँ। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने, आप लगातार देखेंगे कि 2017 से और आज तक निरंतर हमारी जो सिंचन क्षमता है, जो हमारे सिंचाई के क्षेत्र हैं उनमें भारी बढ़ोतरी हुई है, और वो चाहे स्प्रिंकलिंग के द्वारा हो, सिंचाई के अनेक अत्याधुनिक माध्यमों को अपना करके फसलों को अधिक से अधिक हम जल दे सके, वन ड्रॉप मोर क्रॉप के प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए
सरकार ने लगातार काम किया है और आगे भी लगातार करते चले जा रहे हैं। जहां तक जो नलकूप खराब होने की बात और बहुत दिनों से खराब होने की बात आपके माध्यम से आई है, हम लोग भी निरंतर प्रयास में रहते हैं। नलकूप विभाग को जैसे ही सूचनाएं दी जाती हैं वो आ करके, उसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है, कहीं बिजली की प्रॉब्लम होती है, मोटर जलने की प्रॉब्लम होती है। दोनों विभाग समेकित रूप से उन समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने जहां की रिपोर्ट दिखाई है जरूर वहां का भी संज्ञान लिया जाएगा। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, एक चीज और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताते चलें, क्योंकि आप जो रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाई उसमें कई जगह इस तरीके की भी जो चीजें हैं वो सामने आई कि अधिकारियों की तरफ से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कागजों के ऊपर तो दिखा कि वहां पर काम हुआ, लेकिन जब ग्राउंड पे हम लोग पहुंचे तो वो चीजें वहां पर नजर नहीं आई। अब ये जो गैप होता है, क्योंकि अधिकारी तो रिपोर्ट भेज देते हैं, आप लोगों की तरफ से योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन जमीन पर वो नहीं पहुंचती हैं, या जमीन पर जो स्थितियां होती हैं वो, हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ऐसी स्थिति, लेकिन बहुत जगह पर उससे भिन्न होती हैं। इसको लेकर के क्या विशेष काम आप लोग कर पा रहे हैं, और कैसे जो चीज कागज पर है वो भी धरातल पर दिखे, इसको कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इसको भी बताएं साथ में। पूज्य योगी जी के राज में भ्रष्टाचार और लापरवाही का कहीं कोई स्थान नहीं है, और हमारे सभी विभागों के लोग, मैं विशेष तौर से ग्राम्य विकास विभाग का राज्य मंत्री हूँ, और अपने विभाग में, हमारे विभाग में मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये दो कार्यक्रम इस लॉकडाउन में 3-4 महीने से विशेष रूप से आगे चल रहे हैं, और मनरेगा एक संजीवनी बन करके आया है, और हमारे पूरे विभाग का प्रयास है कि यह केवल कागजी नहीं रहे, भौतिक रूप से ये लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, लोगों के रोजगार सृजन के लिए आगे बढ़ के काम करें। और उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में 88 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। 26 जून को 62 लाख लोगों ने मनरेगा में काम किया, एक रिकॉर्ड है। और आज भी बारिश के मौसम के बावजूद आज 14 जुलाई को 25 लाख लोग काम कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की जो हमारी दीदियां हैं, उन्होंने 88 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं, उन्होंने लगभग 45,000 से अधिक पीपी किट बनाए हैं, सैनिटाइजर, और लगातार लगभग 5 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के लगातार रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जो हमारे प्रवासी श्रमिक भी आए, जो ग्राम विकास विभाग काम कर रहा है, जो हमारे प्रवासी श्रमिक 36 लाख लौटे हैं अन्य प्रांतों से, उनमें से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के जो लोग हैं 30,47,000, उन सभी की स्किल मैपिंग की गई, और जो उनकी कुशलता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उनको काम देने के लिए, उसमें से लगभग 25 लाख लोग ऐसे मिले हैं जो भवन निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए थे। तो मैं, हमारा जो ग्राम्य विकास विभाग है, उस विभाग की सारी योजनाएं, वो हमारा मनरेगा और स्वयं सहायता समूह, दोनों के दोनों बिल्कुल जमीन पर, धरातल पर, और हम लोग लगातार उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मैं तो जनपदों में जाकर के, कई कमिश्नरी के एक एक जनपद में जाकर के मैंने धरातल तक उन चीज़ों को देखा, और आप पाएंगे कि मनरेगा इस पूरे अवधि में, कोरोना आपदा काल में, एक संजीवनी बन करके आया है। प्रधानमंत्री जी ने 182 से बढ़ा के 201 रुपया मजदूरी भी किया, और आज कोई बकाया नहीं है। रोज हम 50 से 60 करोड़ का पेमेंट करते हैं, इस कोरोना आपदा काल में लगभग 2300 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया है। जो हमारे रोजगार सेवक 35,818 हैं, उन सभी का जो बकाया था पिछले 2-3 वर्षों से, उनका 225 करोड़ एक साथ दे दिया गया। तो इसी प्रकार से हमारे सभी विभाग के, हमारे सभी विभागीय मंत्री और अधिकारी अपने अपने विभाग की योजनाओं को धरातल तक व्यवहारिक रूप से संचालित करने में निरंतर लगे हुए हैं, जिस प्रकार से हम लोग ग्राम विकास विभाग की योजनाओं के लिए लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आनंद जी, जो आपके विभाग के अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल शाबाशी बनती है, और आपको भी करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है इससे लोगों को। लेकिन जो पड़ताल हम लोगों ने की, जो चीजें हम लोगों ने दिखाई, उसके अंदर अधिकारियों ने कुछ बातें कही जो कि हम लोगों को जमीन पर नजर नहीं आई। अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या इनको कोई मैसेज या इनके लिए कोई सख्त कार्रवाई आप लोगों के स्तर पर की जाएगी, ताकि जनता कम से कम परेशान ना हो? जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि पूज्य योगी जी के राज में लापरवाही और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। जो भी हमारे अधिकारी हैं, जिस भी स्तर पर हैं, उन्हें पूरे प्रण प्राण से अपने काम करने की आवश्यकता है। कोई अगर लापरवाही इसमें है, अथवा आंकड़ों का खेल करके कागज पर कुछ और, भौतिक स्तर पर कुछ और ऐसा बताया जाता है, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार की मंशा है।
आनंद स्वरूप शुक्ला जी, क्योंकि बुंदेलखंड का जिक्र हम लोगों ने किया, शुरुआत में भी हुआ और बीच में चर्चा में भी बुंदेलखंड का जिक्र हो रहा था, हर घर नल जल योजना जिसकी शुरुआत आपने की, आप नल से लोगों को पानी पहुंचाने वाले हैं, थोड़ा सा इस योजना के बारे में भी, कब तक पहुंचेगी ये भी साथ में बता दें, और साथ ही साथ जो दूषित पेयजल की समस्या इस समय एक बहुत विकट बनी हुई है, अभी मौजूदा दौर में आप कैसे इस सारी समस्या से वहां के लोगों को बाहर निकालेंगे, मैं चाहूंगा कि इसको भी साथ में बताएं, क्योंकि दूषित पेयजल भी एक बहुत बड़ी समस्या उस इलाके के अंदर है, जब तक नल से जल नहीं पहुंचेगा उससे पहले कैसे उन लोगों को साफ पानी की जो उपलब्धता है वो आप लोगों के स्तर पर सुनिश्चित करवाई जा रही है, मैं चाहूंगा कि इसको भी बताएं। मुझे लगता है कि इस कोरोना आपदा के समय में ही संवेदनशील मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ उस विभाग का एक कार्यक्रम है और बुंदेलखंड के लोगों को घर घर नल पहुंचाने की योजना का शुभारंभ किया है, और जो समय सीमा सरकार ने तय किया है सरकार का वो प्रयास होगा, अभी तो कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने में साल भर में, जो समय सीमा न्यूनतम होगी उस समय सीमा में निश्चित रूप से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, आनंद स्वरूप शुक्ल जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक रिपोर्ट और एक पड़ताल और दिखा देते हैं, क्योंकि जरूरी है हर हिस्से का क्या स्थिति है वो जानना हमारे दर्शकों के लिए। बहराइच की जमीनी हकीकत को हमारे सहयोगी ने खंगाला है और इस दौरान ये जानने की कोशिश की है कि जो वादे लगातार हुए हैं धरातल पर क्या वो उतरे हैं, या फिर बहराइच में भी जो लोग हैं वो प्यास से परेशान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। प्यास की पड़ताल करते हुए इंडियन न्यूज की टीम बहराइच पहुंची, जहां हैंडपंप तो लगे मिले लेकिन जर्जर हालत में और खुद ही प्यासे, कई सालों से मरम्मत की बाट जोते इन हैंडपंपों की व्यथा उनकी हालत ही बयां कर रही थी। जिस हैंडपंप को पानी देना चाहिए वो ईंट पत्थरों का स्मारक बना हुआ था, तो कई ऐसे हैंडपंप मिले जो विकास की राह में प्यासों को मुंह चढ़ाते हैं, जिसको लेकर इंडियन न्यूज की टीम जल निगम के ऑफिस पहुंची। यहाँ के हालात देखकर आप भी भौचक्की रह जाएंगे। जल निगम के दफ्तर के अहाते में बोरिंग से लेकर हैंडपंप का सामान रखा मिला, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान होने के बावजूद भी अधिकारियों पर इलाके के विकास का वक्त नहीं है। आपको बता दें कि बहराइच में कुल 52,251 सरकारी हैंडपंप है, जिसमें से 20% हैंडपंप मरम्मत के इंतजार में है, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने पानी देना ही बंद कर दिया, लेकिन इससे अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। जी पर्याप्त मतलब बहुत ही हैंडपम्प 100 व्यक्ति के लिए रहता है, जो मानक है इसमें 100 व्यक्ति प्रति घंटे, और लगभग 72 व्यक्ति एक हैंडपम्प पर आ रहे हैं। हैंडपंपों की दुर्दशा और उनके मरम्मतीकरण को लेकर जब अधिशासी अभियंता से बात की गई तो बड़ी ही मासूमियत से शिकायत न मिलने का हवाला देते हैं कि जानकारी स्थानीय लोगों को दे दी गई है कि वो शिकायत करें, और कोई शिकायत नहीं मिली, इसकी जानकारी ऊपर बैठे अधिकारियों को दे दी गई है। नहीं, जो हैंडपंप खराब और रिमोट हो जाते हैं तो इसमें उसकी सूचना ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जल निगम ठीक कराता है, तो हमको मिलती है और हम उसको बाई पथ व्यक्तिगत रूप से जो आते हैं उनको भी बता देते हैं, और व्यक्तिगत रूप से DPRO और DDO साहब लोगों को बता दिया जाता है, और पत्र के माध्यम से भी हम उनको सूचित कर देते हैं कि इसको मरम्मत करा देते हैं, उनको राज्य वित्त आयोग या भूमि आयोग से मरम्मत करने का उसका। अधिकारियों की इस कार्यशैली ने प्यास और पानी के बीच में सरकारी कामकाज को लाकर खड़ा कर दिया, जो फाइलों में कहीं अटका रहता है, जिसकी वजह से बहराइच में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, हैंडपंप सूखे जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। तो चलिए, एक और तस्वीर आपने देखी है, ग्रेटर नोएडा से हम लोगों ने शुरुआत की थी, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर बुंदेलखंड में झांसी का और सोनभद्र का भी हाल आपने देखा, गाजीपुर यानी कि पूर्वांचल का भी हाल आपने देखा, और फिर बहराइच यानी कि अवध तक का भी जो हाल है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और इसी पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ग्राम विकास राज्य मंत्री मौजूद हैं, आनंद स्वरूप शुक्ल जी। आनंद स्वरूप जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अपने स्तर पर आप लोगों की तरफ से तो प्रयास होते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों की हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, सूबा बड़ा है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आती हैं और खासतौर से गर्मियों से पहले ही आप लोग इस कवायद में रहते हैं कि ये जो स्थितियां हैं ना बने, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो उसके बाद क्या लगता है कि कार्रवाई जो होनी चाहिए सही तरीके से
वो नहीं होती, इसलिए साल दर साल इसी तरीके से हम लोगों को देखना पड़ता है। कहीं गांव में समस्या है, कहीं हैंडपंप नहीं, कहीं नलकूप में पानी नहीं, ये क्यों होता है साल दर साल, और इसको कैसे आप लोग सही तरीके से और पटरी पर ला पा रहे हैं, मैं चाहूँगा इस विषय को भी थोड़ा साथ में समझाते चलें। मुझे लगता है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसी के अनुसार सरकार ने निरंतर बहुत श्रेष्ठ प्रयास किया है। तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे पिछली सरकारों के समय का और अभी का, तो निश्चित रूप से बहुत भारी बदलाव आया है। जहां कहीं की शिकायतें आ रही हैं, मुझे लगता है कि उस विभाग के विभागीय अधिकारियों ने और माननीय मंत्रीगण ने उसका संज्ञान जरूर लिया होगा। हैंडपाइप यानी जल जो जीवन है उसकी व्यवस्था अत्यंत उत्तम होनी ही चाहिए। गर्मी के पूर्व ही ये जो रिबोर की व्यवस्था होती है, ये मार्च अप्रैल में रिबोर का कार्यक्रम चलता है, और जहाँ जितनी शिकायतें आती हैं पूरी लिस्ट बना करके जल निगम को दिया जाता है, और वो लोग उसका सबसे पहले उसका जो जल होता है उस जल को चेक किया जाता है कि ये पीने योग्य है कि नहीं, और अगर कोई अबेंडेंट जो पृथक्त है तो उस पर लाल निशान लगा दिया जाता है, फिर उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। दूसरे जो ऐसे निशान नहीं लगाए जाते हैं उनका एक निश्चित समय अवधि में रिबोर करके लोगों के लिए उसको संचालित रखा जाता है। लेकिन जहाँ कहीं की शिकायतें आपके द्वारा दिखाई गई हैं निश्चित रूप से गंभीर है, और इसका संज्ञान विभाग के लोगों को लेना चाहिए, लेंगे। आनंद जी, एक बात इनकम्प्लीट रह गई थी, क्योंकि मैंने दूषित पानी को लेकर के भी एक सवाल आपसे पूछा था, थोड़ा सा उस विषय को और विस्तार से जरा बताएं, क्योंकि दूषित पानी भी बड़ी समस्या है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं पर हैंडपंप जो काम नहीं कर रहे, उसको आपने कहा कि आप अपने स्तर से सही करवाएंगे, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं तो वो सही होंगे, लेकिन जो दूषित पानी है, क्योंकि नल से जो जल है वो पहुंचाने की जो योजना है वो थोड़ी बड़ी है, जब तक पहुंचेगा उससे पहले जो लोग हैं जिनको दूषित पानी की भी बड़ी समस्या है, वो आपके विभागीय स्तर पर कैसे उसको आप लोग चिन्हित कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या विशेष काम अभी आप लोग कर रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस विषय को बताएं। देखिए, पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जो भूजल है, लोगों को जो पेयजल लेना होता है उसके लिए लगभग हर जनपद में सर्वे हुआ है अनेक टीमों ने आकर के। जैसे कुछ वर्ष पूर्व यादवपुर विश्वविद्यालय की टीम आई थी, ये टीमें आकर के और जहां आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, जहां फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जहां आयरन की मात्रा ज़्यादा है, ये उन क्षेत्रों को उन्होंने चिन्हित किया, और इसलिए उन क्षेत्रों में हैंडपाइप लगाने को मना किया गया। वहाँ पर आरओ प्लांट लगा करके और सरकार के द्वारा लोगों को शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की गई। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सोलर आरओ प्लांट लगा करके ये एक योजना चली, विशेष तौर से कि सोलर आरओ प्लांट लगा करके लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जाए। ये भूजल जो दूषित जल होता चला जा रहा है, ये एक भारी समस्या हो गई है, क्योंकि अनेक जनपदों में जो पानी की टंकियां जिनके द्वारा हर घर में नल की व्यवस्था बनाई जाने वाली है, उन पानी की टंकियों को स्थापित करने में जो बोरिंग की जाती है उसमें भी अनेक स्थानों पर जो मानक अनुसार जल नहीं आ रहा है, अनेक योजनाएं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, केवल इसलिए कि अगर 200 फीट उसको बोर करना है तो 400 करने के बावजूद भी शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा, ये एक भारी समस्या निश्चित रूप से हुई है। अब सरकार ने और विशेषज्ञों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो अब हमारी पहले पुरातन समय जो पानी की टंकियां रही हैं, अब जो पानी की टंकियां स्थापित हो रही हैं वो बिल्कुल फिल्टर होके आरओ वाटर जैसा उनका पानी निकल के आएगा, तो नए प्रकार के उसमें शोध करके और टीमें उस पर वर्क कर रही हैं कि लोगों को हम लोग दे सके। इन चुनौतीपूर्ण व्यवस्थाओं में हम समस्त प्रदेशवासियों को हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल दे सकेंगे, इसी दिशा में सरकार मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। आनंद जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोगों ने जो पड़ताल की हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं, और आपको भी हम लोगों ने आज इसीलिए यहाँ पर आमंत्रित किया कि ये समस्याओं का समाधान हो। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये जो हमारी पड़ताल या जो रिपोर्ट्स में नजर आया, इसको लेकर के आप लोगों के स्तर पर इस पर क्या कार्रवाई होगी, थोड़ा ये बताएं। और साथ ही साथ आप ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो समस्याएं हैं इसका निदान कैसे आप लोगों के स्तर पर किया जाएगा, और इस इन सारी चीज़ों को कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल, मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब जरूर दें। मैं आपसे पहले भी अनुरोध किया कि पूज्य योगी जी के नेतृत्व की सरकार में कहीं पर भी लापरवाही भ्रष्टाचार का स्थान नहीं है। 23 करोड़ प्रदेशवासियों के हर प्रकार की सेवा और सहायता के लिए सरकार निरंतर तत्पर है। सभी लोगों को संवेदनशील होकर के काम करने की आवश्यकता है, और
आपके द्वारा आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इंडिया न्यूज को, कि आपने इन विषयों का संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से हम सभी आपके माध्यम से इन लाए गए विषयों का संज्ञान लेते हुए जहां कहीं भी ये शिकायतें आई हैं अगर वो सही पाई गई, लापरवाही के कारण अगर कोई रिबोर नहीं हुआ, लापरवाही के कारण अगर कोई नलकूप संचालित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो अक्षम्य है। किसी अन्य कारण से अगर वो रिबोर नहीं हुआ है तो उसकी एक अलग बात हो सकती है, लेकिन किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही से, उनकी अकर्मण्यता से लोगों को तकलीफ हो, ये योगी जी के राज में संभव नहीं है। और जो भी इसमें दोषी होंगे निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन हैंड पाइप्स के रिबोरिंग के लिए, नलकूपों के संचालित करने के लिए यथाशीघ्र अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आनंद स्वरूप शुक्ल जी अपना समय निकालने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो अक्षरशः इसी तरीके से इंप्लीमेंट भी होगी और ये जो समस्याएं हैं, ये जो पड़ताल सामने आई है, उसका निराकरण होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।